हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंदर मौर्य। आज 5 में 50 डेज लाइव ट्रेडिंग चैलेंज का आज 30वां दिन है। तो अभी बात करते हैं कि आज के दिन मैंने ट्रेड कहाँ लिए थे। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आज के दिन जो मैंने ट्रेड लिया था वो यहाँ पर 925 की कैंडल पर लिया था। जैसे ही 925 की कैंडल पर 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी का सेटअप बना, वैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा RSI इंडिकेटर यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में है और यहाँ पर 5 में की अलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। तो जैसे ही इस अलर्ट कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, वैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया और SL मैंने यहाँ पर इस कैंडल के लो पर लगाया हुआ था। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, यहाँ पर जो मेरा SL था, SL यहाँ पर मेरा 47 पॉइंट्स का था, यानी कि यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं 48 पॉइंट्स का मेरा SL था। और मैंने यहाँ पर 1:4 का मैंने यहाँ पर टारगेट रखा हुआ था, जो कि मुझे यहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल गया। ऑलमोस्ट यहाँ पर मुझे ये जो क्या कहते हैं 1:4 का टारगेट, ये मुझे 40 मिनट के अंदर ही मिल गया। बहुत ही अच्छा ये ट्रेड था। और इस ट्रेड में क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्रीमियम था, प्रीमियम बिल्कुल भी यहाँ पर डिके नहीं हुआ, बहुत अच्छा मार्केट था। और इस ट्रेड में मैंने जो यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया वो 60,000 का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया है। अभी आप यहाँ से मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सेटअप था ये 5 में प्लस नो लॉस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग था। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये एक हैमर कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, क्योंकि ये डबल कन्फर्मेशन का ट्रेड है, तो हमें यहाँ पर अपने ट्रेड की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना होता है। पर यहाँ पर मैंने आज के दिन अपने ट्रेड की क्वांटिटी को इंक्रीज़ नहीं किया, इसलिए मुझे यहाँ पर 16,000 का प्रॉफिट हुआ, नहीं तो मुझे इसका जस्ट डबल प्रॉफिट हो जाता। मैंने अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने ट्रेड की जो क्वांटिटी है उसे मैंने यहाँ पर डबल क्यों नहीं किया। देखिए, आप सभी को पता होगा कि आज का जो ट्रेड मार्केट था वो मार्केट न्यूज़ बेस्ड ज़्यादा था। ऑलमोस्ट सभी को पता था यहाँ पर कि मार्केट आज क्या होगा, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, क्लियर। तो यहाँ पर मेरा भी यही व्यू था, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होगा। तो यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर इस लेवल के पास अपना जो ट्रेड होल्ड किए होंगे, उन्हें यहाँ पर पी का जो ट्रेड होल्ड किए होंगे, इतने लेवल पर जब मार्केट यहाँ पर नीचे आएगा तो यहाँ पर हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, मतलब हमें यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो सेम परसेप्शन यहाँ पर मेरा, तो सेम व्यू मेरा भी यहाँ पर यही था कि मार्केट यहाँ से नीचे आया तो मार्केट में थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। तो मैंने उसी करेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, मतलब यहाँ से मार्केट आया, मार्केट को अगर नीचे जाना होगा, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बढ़ाएगा, तब मार्केट नीचे जाएगा। तो ये जो करेक्शन है, इसी करेक्शन को मैंने यहाँ पर कैप्चर करने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। अगर मैं यहाँ पर आपको फिबोनाची इंडिकेटर लगा के दिखाऊँ तब आपका जो डाउट होगा एकदम पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इस लेवल से ये यहाँ से और यहाँ पे नीचे तक का यहाँ पे ये लेवल आपको ड्रॉ करके दिखाऊं जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया। अब यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर आज आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से मार्केट, ये जो स्विंग है, इस स्विंग से मार्केट यहाँ पे नीचे आया, क्लियर। अब मैं ये अपने कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मार्केट हमेशा ये ऐसे सीधा नीचे यहाँ से जा नहीं सकता, मार्केट को यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पर क्या होगा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन आएगा। और जो करेक्शन का जो लेवल होता है वो क्या होता है, फिबोनाची इंडिकेटर हमें बहुत ही इजी वे में बता देता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए प्राइस हमारा, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहाँ से देखिए प्राइस यहाँ तक आया, प्राइस यहाँ पे आप देखिए यहाँ से एग्जैक्ट ये 38% के पास आया। जैसे ही 38% के पास आया वैसे यहाँ पर प्राइस यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर तुरंत यहाँ पर नीचे की तरफ मूव करने लगा, क्लियर। तो हमने यहाँ पर इसीलिए अपना जो टारगेट रखा था वो 38% जो था इससे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ही रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर आज ज़्यादा यहाँ पे 1:4 से ज़्यादा का टारगेट भी नहीं रखा, क्योंकि मार्केट क्या था, मार्केट कम्प्लीटली यहाँ पे निगेटिव था, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता, आई मीन यहाँ पे करेक्शन होता है, मैंने ये करेक्शन का लॉजिक आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद करेक्शन का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट मिला, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे, इतना हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मिलने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो जितने लोगों से यहाँ पे ये ट्रेड मिस हुआ होगा वो लोग यहाँ पे वापस से इंटर करना चाहेंगे और यहाँ पे हमें एक शार्प फॉल वापस से देखने को मिलेगा, क्लियर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1:4 का ही टारगेट रखा था और मैंने यहाँ पर अपने ट्रेड की क्वांटिटी को यहाँ पर डबल नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ये जो यहाँ से इस लेवल से मार्केट आया था, हो सकता है यहाँ पे 38% के पास नहीं जाके यहीं से हो सकता है करेक्शन नीचे आ जाता, प्रोबेबिलिटी इसका भी था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना जो ट्रेड का जो क्वांटिटी था यहाँ पे मैंने क्वांटिटी को यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं किया। और अभी यहाँ पर आपको दिख रहा हो, यहाँ पर हमारा एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा सेटअप बना हुआ है। 5 में पुल बैक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए 5 में अलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन एग्जैक्ट यहाँ पे 38% के पास है। और जो सेम मार्केट का व्यू यहाँ पे क्या था, मार्केट का व्यू यहाँ पे सेलिंग साइड था, तो यहाँ पर ट्रेड लेना 100% यहाँ पे ट्रेलर 100% यहाँ पे ट्रेड पर इंटर करने का बनता था। पर यहाँ पर मैं यहाँ पे इस ट्रेड पर नहीं इंटर हो पाया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मैं उड़ गया था मार्केट से।
ठीक है, तो ये ट्रेड में मैं इंटर नहीं कर पाया, और जितने लोगों ने यहाँ पर इस ट्रेड में इंटर किया होगा वो लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर अर्न किए। हमारी ये जो हमारा जो यहाँ पर अलर्ट कैंडल है, अलर्ट कैंडल यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं, ये अलर्ट कैंडल हमारा यहाँ पे 10% का है। तो 10 का 4 times यानी कि 40% आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 40 से भी ज़्यादा यहाँ पे 44 तक का यहाँ पे टारगेट मार्केट ने आसानी से दिया, यानी कि हमें यहाँ पर 1:4 का टारगेट यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल गया। और यहाँ पर हम अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते तो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर इसका क्या किया, ब्रेक डाउन किया, मार्केट यहाँ पर नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया, पर वापस से मार्केट में यहाँ पर सेलर आ गए। ये मार्केट देख रहे हैं आप, एक भी स्विंग जो प्रीवियस स्विंग था कहीं पर भी प्रीवियस स्विंग का यहाँ पर SL हिट नहीं हुआ, मतलब प्रीवियस स्विंग का कहीं पर भी यहाँ पे विक ब्रेक नहीं हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था, यहाँ पर भी 1:4 का टारगेट मिला और यहाँ पर तो 1:4 का टारगेट मिला हुआ है। तो अभी पिछले 3 दिनों से हमें 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी, 5 में पुल बैक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं। जो प्रीवियस हम लोग का यहाँ पे 6 से 7 days से जो हमें लगातार SL हिट हो रहा था वो सारे के सारे लॉस अभी सभी के रिकवर हो गए। तो आप सभी का मैसेज देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने आज यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। तो आप सभी का जो मैसेज होता है वो प्रॉफिट देखकर हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग भी अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर रहे हैं, क्लियर। और जितने लोगों ने आज के दिन ट्रेड लिया था वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज के दिन का आपका ट्रेड कैसा रहा, क्लियर। तो अगर आप देखें यहाँ पर प्रीवियस पिछले दिन का हम देखें यहाँ पर, इसके पहले भी हमें यहाँ पर क्या कहते हैं यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन का ट्रेड मिला था, और इसके और भी पीछे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर पुल बैक का हमें बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिला था, और 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी का बहुत अच्छा ट्रेड मिला हुआ है। तो बैक टू बैक यहाँ पर हमें 3 दिनों से 5 में मास्टर इन 5 में सीरीज में मैंने जो कुछ भी सिखाया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रेड आप सभी को यहाँ पर मिल रहा है, क्लियर। तो आपके जो सारे लॉसेज हैं वो सारे लॉस रिकवर हो गए। मैं यही बोलता हूँ बार बार, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इसमें SL फेज आएगा, 100% SL फेज आएगा। और ये SL फेज क्या होता है, सभी सेटअप्स में आते हैं, पर आपको कोई भी मार्केट में कोई भी नहीं बताएगा कि उनके सेटअप पर SL लग रहा है। आप पूरे YouTube पर देख लेंगे, कोई भी कभी एडमिट नहीं करेगा कि उनके सेटअप पर SL लग रहा है, पर मेरा SL रहता है तो मैं SL बताता हूँ, टारगेट रहता है तो टारगेट भी बताता हूँ, ठीक है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पे कि हाँ मेरे ट्रेड में SL हिट होता है, मेरे ट्रेड का जो यहाँ पे क्या कहते हैं एक्यूरेसी है वो 50-60% है, और मैक्सिमम जो एक्यूरेसी है वो 70 तक का ही है, बस 70% से ज़्यादा का एक्यूरेसी नहीं है। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, मैं क्लियर बता देता हूँ, जिससे कि आप अगर यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए, मैंने तो ये भी दिख बताया हुआ कि अगर इसका जो सेटअप का अगर एक्यूरेसी 40% रहता है तो भी आप इसमें क्या करें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, आपका कैपिटल इसमें डबल भी हो सकता है। पर डबल कब होगा, डबल तभी होगा जब आप इसमें क्या करते हैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ 2 trade का रूल अगर आप फॉलो करेंगे, 2 trade में एसिलेट हो जाता है तो सीधा सिस्टम क्लोज कर दो बस। और जो मैक्सिमम टारगेट रखना है आपको इसमें, मिनिमम जो टारगेट रखना है वो 1:4 रखना है, और इसको मैक्सिमाइज करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर, इसको आप जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं ये करना है। 1:2 अगर आप 1:2 के चक्कर में पढ़ें तो भूल जाए, क्योंकि 1:2 से आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। अगर 1:2 से आप प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको क्या करना होगा, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, आपका मतलब कि मार्केट को भावना आना चाहिए बोलना चाहिए, मतलब कि मार्केट को आपको भावना आना चाहिए, मतलब कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाना चाहिए तो आपको तुरंत एग्जिट होना पड़ेगा, तब जाकर आप ये 1:2, 1:1 के टारगेट में आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, ठीक है। तो 1:2, 1:3 का टारगेट, 1:2 का टारगेट तो आप मेरे सेटअप पर मत ट्राई करना, वरना आप इसमें SL ही हिट होगा। मैं पहले से क्लियर करूँ आपको, इसमें 1:3, 1:4 मैक्सिमम टाइम आपको 1:4 ही बुक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम किस लेवल पर इंटर होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट जहाँ से यू टर्न होता है ना हम लोग उस लेवल पर इंटर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सही एग्जैक्ट पॉइंट पर यहाँ पर इंटर हुए हैं तो हम मार्केट्स में हल्का सा प्रॉफिट लेकर तो हम एग्जिट नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे हम इंटर हुए, मार्केट यहीं से तो मूव किया है ना, बीच में थोड़ी इंटर हुए, हाँ यहाँ पर इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है कि यहाँ पर इस कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो हम यहाँ पे 1:2 का टारगेट लेकर निकल जाएंगे। हम लोग बीच में नहीं इंटर होते, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर स्विंग को पकड़ते हैं, और हम हाँ यहाँ पर जैसे बीच में अगर इंटर होता है तो वहाँ पर हमारा SL भी हिट होता है, पर हम मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं स्विंग को ही पकड़ते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, तो बताइए आप क्या यहाँ पर अगर आप लिए हैं क्या यहाँ पर 1:2 पर ही आप एग्जिट हो जाएंगे, हल्के में एग्जिट हो जाएंगे? नहीं, हम SL देते हैं। हम SL यहाँ पे क्यों देते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पे स्विंग्स मिल जाए। आज का भी मार्केट आप देख सकते हैं, ये यहाँ का भी मार्केट आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ये स्विंग ही तो मिला है ना। अगर आप स्विंग पर इंटर किए हैं, सही लेवल पर इंटर किए हैं, क्या आप 1:2 पर ही निकल जाएंगे? ये आप सोचिए, अपने अंदर आप ये साइकोलॉजी बिल्ड कीजिए कि आप क्या है इस ट्रेड में, अगर आपको सही एंट्री मिल जाता है तो आप एकदम बहुत ही
एक्यूरेट जगह पर इंटर किए होते हैं, मार्केट वहीं से रिटर्न करता है जहाँ मार्केट जहाँ से रिटर्न करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, आप उस लेवल पर इंटर करते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे 1:4 का टारगेट रखना होता है। मैं कई बार बताता हूँ, आप इसमें पीछे भी जाके अगर आप देखेंगे तो मैं और जगह दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ से रिटर्न हुआ था 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी का ट्रेड यहाँ पर भी बना होगा। और पीछे जाइए, यहाँ पर ये तो SL फेज चालू हो गया, ये अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको यहाँ पे स्विंग मिला हुआ। अब बताइए स्विंग मिला हुआ है तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर आपको 1:4 का ट्राई करेंगे ना, आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस बिलीव दिलाना होगा कि आप यहाँ पर सही जगह पर इंटर हुए हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर मैक्सिमम टारगेट यहाँ पर ट्राई करेंगे, 1:4, 1:5 का टारगेट ट्राई करेंगे। ये मैं बार बार हर वीडियो में नहीं समझाऊंगा कि आप यहाँ पर ये, क्योंकि ये बहुत बार बता चुका हूँ, तो अब थोड़ा सा इसको आपको खुद समझना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों का जो मैसेज आता है ना कुछ लोगों का कि भाई इतना टारगेट रखने पर ना बहुत ज़्यादा 1:4 का टारगेट रखने पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बताओ आपको मतलब प्रॉफिट लेने में, प्रॉफिट बुक करने में आपको मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है? अगर तुम यहाँ पर क्या कहते हैं 2 से 3 घंटे मार्केट में नहीं दे सकते हो 1:4 के लिए, प्रॉफिट में नहीं बैठ सकते हो, तो ये तुम्हारे लिए नहीं बना है। मैं आज क्लियर बोलूँगा, अगर तुम 1:4 का टारगेट कैप्चर करने में तुम जल्दबाजी कर रहे हो, तुम 1:2 लेकर निकल जा रहे हो, तो तुम अभी क्या कहते हैं फोमो में हो, गलत फहमी में हो। समझ में आया? तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, अभी हम देखते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 का। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा लिया, सेम यही भी यहाँ पे निफ्टी 50 में भी था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एग्जैक्ट यहाँ पर 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी का ट्रेड बना, 1:4 का टारगेट यहाँ पर भी मिला हुआ, और इसमें भी हमें क्या करना है 5 में पुल बैक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड मिला हुआ। पर यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कैंडल है, कैंडल यहाँ पे ऊपर जाके हमारा पहले एसोलेट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ मूव किया हुआ है। एग्जैक्ट यही जो पॉइंट है ना, यही यहाँ पे जो ये कैंडल का ये रिवर्सल आया है, क्या कहते हैं बैंक निफ्टी में भी आया है, पर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डीप करेक्शन नहीं हुआ था, तो इसलिए वहाँ पर हमारा पुल बैक में SL नहीं हिट हुआ, पर यहाँ पर हमारा इस ट्रेड में SL हिट हुआ है। और अगर हम यहाँ पे देखें और उसके बाद हमें यहाँ पे कोई ट्रेड, एक ट्रेड हमें यहाँ पे 5 में प्लस नो लॉस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग दिख रहा है जिसमें हमारा SL हिट हुआ। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में भी सेम यही था, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, इसमें भी यहाँ पर इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये हमारा सेटअप था, 1:4 का टारगेट हमें यहाँ पर आसानी से मिल गया। जो मैंने लॉजिक आपको वहाँ पे क्या कहते हैं बैंक निफ्टी में समझाया वही यहाँ पर भी है। उसके बाद हमें यहाँ पर इस लेवल के पास पुल बैक स्ट्रेटजी का ट्रेड बना, और इसमें भी हमें यहाँ पर बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे 1:4, 1:5 तक का टारगेट यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज के दिन की ट्रेड की रिपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।